हाय दोस्तों, हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ट्यूबी के बारे में। जो भी ऑपरेटर भाई है जिनको नहीं मालूम है, इंडिया में काम करते हैं, वो गल्फ में आना चाहते हैं, सऊदी, कतर, बहरीन, कहीं भी, तो यहाँ पर आप लोगों को दो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक होता है ड्राइवरी लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कैसे बनता है, क्या क्या टेस्ट होता है। और दूसरा है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको ट्यूबी बोलते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जिसको हम लोग ट्यूबी बोलते हैं। ये ट्यूबी की ज़रूरत कब पड़ती है पता है आप लोग को? जब भी आप प्लांट में काम करने जाएंगे या कहीं और काम करने जाएंगे तो सबसे पहले सेफ्टी वाला आपको लाइसेंस नहीं पूछता, सबसे पहले आपका ट्यूबी पूछेगा कि भाई आपके पास ट्यूबी है कि नहीं। सबसे पहले आपका वो ट्यूबी चेक करेगा। ट्यूबी दिखाने के बाद ट्यूबी कैसे बनता है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, आपका कंपनी अगर ट्यूबी बनाना चाहे तो बहुत आसान है, ट्यूबी के लिए कोई दिक्कत नहीं है सऊदी अरबिया में या गल्फ में, कहीं भी ट्यूबी आपका आसानी से बन जाता है। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो आसानी से ट्यूबी बन जाता है। डायरेक्ट आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरव्यू मारना पड़ेगा, बाकी जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, उसमें कोई लाइसेंस के हिसाब से आपका ट्यूबी बन जाता है, ठीक है। तो ट्यूबी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ट्यूबी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एजेंसी है ट्यूबी बनाने के लिए, गल्फ में बहुत सारे एजेंसी है, वो आपका कंपनी ट्यूबी बना के देता है। तो आप ट्यूबी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जितना प्रॉब्लम लाइसेंस बनाने में होता है उतना प्रॉब्लम ट्यूबी बनाने में नहीं होता। अगर आप नए भी हैं, आपको अगर डायरेक्ट बनवा रहे हैं तो भी आप बनवा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप ट्यूबी अगर बनाना चाहें, क्रेन का हो गया, रीगर का हो गया, बाकी किसी भी चीज़ का, तो 500 से 1000 के बीच में ट्यूबी बन जाता है, ठीक है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम यही रेट है, 500 से 1000 के बीच में है, इतना ही में ट्यूबी बनता है। अगर आपको ट्यूबी जैसे आप क्रेन ऑपरेटर हो गया, मेन लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, बूम ट्रक हो गया, ये सारा चीज़ दूसरा होता है ट्यूबी, ठीक है। तो जब भी आप प्लांट व्लांट में काम करेंगे तो आपको लाजिम ट्यूबी बनाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो भी आप ट्यूबी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, वो बहुत आसान है। मैं फीस के बारे में बता दिया हूँ, ट्यूबी बनाने का प्रोसेस भी बता रहा हूँ। ट्यूबी में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कोई कंपनी अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो कोई कंपनी अप्लाई जहाँ पे जो एजेंसी होता है वो आपके पास आएगा या आपके वो पूछेगा, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप जो चीज़ चला रहे हैं वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ मैं आप जा सकते हो, वहाँ पे वो लोग लेके आएगा आपको गाड़ी में, वहाँ पे थोड़ा बहुत बोलेगा, थोड़ा चला के दिखाओ। कहीं कहीं अगर आप बोलते हो नहीं मैं अभी काम नहीं पकड़ा हूँ तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी सिस्टम है जैसे आप गेम खेलते हैं ना वैसा ही, उसमें कंप्यूटर में दे देगा, बोलेगा इसको चला के दिखाओ। कभी कभी मोबाइल कंप्यूटर में भी देता है टेस्ट मारने के लिए। तो वो सेम आप बूम ट्रक का बनवा रहे हैं, क्रेन का बनवा रहे हैं या किसी चीज़ का बनवा रहे हैं तो कभी कभी उन लोगों के पास गाड़ी नहीं रहता है तो आपको ऐसे भी पूछताछ करके टेबल टेस्ट लेके वो आपका ट्यूबी बना देता है। कभी कभी आपको कंप्यूटर में भी बोलेगा कि आप कंप्यूटर में मार के दिखाओ, कंप्यूटर में आप गाड़ी जो चलाना चाहते हो उसको, ट्यूबी जिसका बनाना चाहते हैं उसका बना के दिखाइए, ठीक है। तो ट्यूबी में इतना झंझट नहीं है, आप खुद से भी ट्यूबी बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आज़ाद वीज़ा पे हैं या कंपनी के वीज़ा पे हैं या मुसस्सा में आपका, आपको लाजिम वो बनवा के रखना चाहिए, ठीक है। ट्यूबी ज़रूरी है क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो बाद में आप रिटर्न आने के लिए बाद में आपको ट्यूबी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कंपनी वाला बोलता है कि भाई पहले जिस कंपनी में आप चलाए हो उसका ट्यूबी दे दीजिए, तो आप लोग ट्यूबी बना के रखिए। अगर आप ऑपरेटर है, किसी भी चीज़ का ऑपरेटर है, तो उसके लिए लाजिम आप ट्यूबी बना के रखिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोग को, ठीक है। मैं भी एक क्रेन ऑपरेटर हूँ, आप लोग को क्रेन के बारे में, बूम ट्रक, जो भी चीज़ के बारे में हमको नॉलेज मिलेगा हम आप लोग को शेयर ज़रूर करेगा।